और अभी मैं आपके साथ पूरा अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई किया, कौन कौन से बुक में फॉलो किया। CBT 1 के लिए आज मेनली डिस्कस करूँगा, फिर CBT 2 के लिए डिस्कस करूँगा नेक्स्ट मतलब अदर वीडियो में। तो देखिए, आपको मेनली 10 स्टेप फॉलो करना है और आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही फॉलो किया था और डेडिकेशन के साथ फॉलो किया था, क्योंकि मुझे एनी हाउ करना था, तो इसलिए मैं 10 स्टेप को फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। और क्या क्या फॉलो किया था देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोग एक अपना स्ट्रेटेजी बनाइए कि मुझे पढ़ना क्या है, और सिलेबस को पूरा थोरोली मतलब उसके ऊपर पूरा देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और उसी टॉपिक को पढ़िए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि वो टॉपिक दे दिया है और बाहर से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत लिंक आगे पीछे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो लेकिन टॉपिक वही रहेगा आपका, थोड़ा आगे पीछे घुमा सकते हैं क्वेश्चन। तो ये मेनली आप पहला स्टेप है, फॉलो स्टेप आपको बता दिया कि आप पूरा सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए, और दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि आपको कौन कौन से बुक फॉलो करना है। और आप ये मत सोचे कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ करके एग्ज़ाम निकाल लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑनलाइन में भी फोकस करना होगा और ऑफलाइन में भी, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो आपको मतलब ट्रिक वगैरह बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आपको बुक में क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बुक आप कौन कौन से फॉलो मैंने किया था वो मैं बताऊँगा अभी। तो देखिए, बुक मैंने फॉलो किया था मैथ का, मैं फॉलो किया था RS अग्रवाल, सागर अहमद, SPD का बुक मैं फॉलो किया था, और टेस्ट बुक से मैं टेस्ट लगाता था डेली, और जो भी मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे वो मैं लिख लेता था एक कॉपी में, और उससे रिलेटेड मैं सारा यूट्यूब में सर्च करता था कि कौन कौन से टॉपिक मेरा डाउट है उसको मैं क्लियर करके लिख लेता था। तो ऐसे करके आप मैथ को पूरा क्लियर कर लीजिए। और आपका साइंस के लिए आपको ये पढ़ना होगा, जैसे लूसेंट पढ़ना होगा, और SPD भी पढ़ सकते हैं, और बेसिक अपना क्लियर करिए। और इसमें आपका न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछा गया था, मेनली नॉर्मल न्यूमेरिकल पूछा गया था, और मेरे पास क्वेश्चन भी है CBT 1 का, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि हम लोग को उस समय क्वेश्चन चेक रीचेक करवाया गया था, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम के रिजल्ट के पहले आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि आपका देखिए कितना नंबर आ रहा है, आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते थे, और हर क्वेश्चन का 50 रुपीज़ ऑब्जेक्शन चार्जेस था। तो मैंने किया था 2 क्वेश्चन पे, और उसमें मतलब उसका रिजल्ट फिर फाइनली आया। तो आप मेनली यही करिए कि बुक को अच्छे से फॉलो करिए, और आपका मेनली आपका साइंस में ही पढ़िए, और साइंस के बाद आपका आता है NCERT बुक भी फॉलो कर सकते हैं साइंस का, उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट पढ़िए, फिर आप जितना हो सके जनरल नॉलेज पढ़िए, क्योंकि जनरल नॉलेज आपका बहुत वास्ट सिलेबस है, आप इसमें पूरा कमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दूर दूर तक आपको क्वेश्चन कहीं से भी लिंक करके पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज के बाद आप करंट अफेयर को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो करंट अफेयर में आप मेनली क्या करिए कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। और SPD का एक बुक आता है 1 ईयर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 ईयर के रहते हैं, वो करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। और आप नोट्स बनाइए डेली, एक कॉपी में लिखिए कि आज का करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, फिर आपका न्यूज़पेपर से पढ़िए। तो ऐसे आपको मेहनत करना होगा, तभी जाके आपका हो पाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया रीजनिंग, आप कोई भी बुक से फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल में बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेनली यही फोकस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम टेबल, क्योंकि जो टाइम टेबल से नहीं पढ़ेगा उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पढ़ के देख लीजिएगा कि आप आज सोचेंगे कि सिर्फ GK पढ़ेंगे तो GK ही पढ़ते रह जाएंगे, नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे कुछ अदर सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं होगा, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। तो तीसरा स्टेप यही है कि आप टाइम टेबल को पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के पढ़िए। और आप फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको डेली पढ़ना होगा, आपको एनी हाउ डेली पढ़ना होगा, और आप एक दिन ऑफ ले सकते हैं संडे को, तो आप कोशिश करिए कि डेली आप पढ़ें, और जो पढ़े आप रिविज़न करिए, उसके बाद ही आपका इसमें कमांड हो पाएगा। और फिफ्थ स्टेप क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं डेली, जो भी पढ़े आपका नंबर 15 ही नंबर क्यों ना आए, लेकिन प्रैक्टिस सेट डेली करिए, आपका इसमें कमांड होगा, देखेगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पे।
इस वीडियो में भी आप कमेंट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन जो पूछना है, ताकि मैं दोनों कंबाइन करके नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर दे दूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने भाई को, चैनल को। और तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।